ये लोग रूसी रूढ़िवादी लोग हैं जो बर्फीले पानी में डुबकी लगा रहे हैं। ये एपिफेनी मना रहे हैं। ये लोग बपतिस्मा ले रहे हैं। बपतिस्मा का अर्थ होता है पानी में डूब के निकलना। और यीशु मसीह के साथ जी उठना। रूसी रूढ़िवादी चर्च के हजारों सदस्य एक पादरी द्वारा आशीर्वादित ठंडे पानी में डुबकी लगाकर एपिफेनी को चिन्हित करते हैं। एपिफेनी यीशु मसीह के बपतिस्मा और उसके रूप में एक इंसान के रूप में भगवान के रहस्य उद्घाटन का उत्सव है। बपतिस्मा की तरह बर्फीले डुबकी को विश्वास का शुद्धिकरण कार्य माना जाता है। ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुयायी 6 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन रूसी रूढ़िवादी विश्वासी जूलियन कैलेंडर का पालन करते हैं। 19 जनवरी को एपिफेनी डालते हैं। पानी अभी भी पूरी तरह से अवर्णीय रूप से ठंडा होता है। मध्य इलिनोइस और पूरे मध्य पश्चिमी और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में भी यह बेहद ठंडा हो सकता है। लेकिन रूस के अधिकांश हिस्से में भारी बर्फ और स्थिर तापमान एक अंक में और अक्सर शून्य से नीचे रहता है। उन परिस्थितियों में किसी तालाब या झील में कूदने की कल्पना करें। निश्चित रूप से यह एक दर्दनाक अनुभव होगा। Thank you.
लेकिन निश्चित रूप से विश्वास और भक्ति का एक सम्मानजनक प्रमाण है। रूढ़िवादी चर्च में एपिफेनी 19 जनवरी को मनाया जाता है। एपिफेनी क्रिसमस और ईस्टर के साथ तीन प्रमुख रूढ़िवादी ईसाई उत्सवों में से एक है। रूढ़िवादी चर्च में एपिफेनी मैगी तीन बुद्धिमान पुरुषों के आगमन के उपलक्ष में यीशु के बपतिस्मा का जश्न मनाता है, जिसे 6 जनवरी को पश्चिमी चर्च में एपिफेनी के रूप में मनाया जाता है।